أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم ثم बासा मबूस कर देना भी उर्दू में इस्तेमाल होता है उठाना भेजना उन मबूस किया भेजा मरने के बाद को उठा लेने को बासा कहते हैं बासा मरने के बाद उठा लिया बासना कुम हमने दोबारा उठा लिया मिन बादी, मिन बादी मिन से उर्दू का कलिमा है बाद भी उर्दू का कलमा है पहले नहीं बाद में मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद उसने तुम्हें दोबारा उठा लिया यानी ज़िंदा कर दिया बासना हमने उठा लिया कुम तुम सबको मिबा दी मोती तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया लाकुम ला तश्करू लाकुम ला ताकि शायद के मुमकिन है कुम तुम सब लोग तशकुरू शुक्र भी उर्दू का कलम है मौत भी उर्दू का कलमा है ते तो तुम के लिए आ गई वनून तो जमा किए लागमत बाकी तो उर्दू का कलमा शुक्र है यशकुरु वो शुक्र करता है या करेगा तशकुरु तुम शुक्र करते हो या करोगे तश्करू तुम सब शुक्र करते हो या करोगे लुम तश्करू ताकि तुम सब शुक्र गुजार हो जाओ तुम बेजान होकर गिर चुके थे तुम मर चुके थे मगर फिर हमने तुमको जला उठाया तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया शायद के इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए अरबी व मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अलहद यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासुर